फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पांड्या स्टोर की एक नई अपडेट। तो आज फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से वही पुरानी मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पांड्या स्टोर के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक की कहानी, मतलब स्टोरी या फिर ट्विस्ट कह लीजिए, जैसा भी। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हमको देखने को, जैसा कि प्रोमो में दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि मतलब अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि माँ जो है, मतलब वो निकाल रही है धरा को। वो कहती है कि जो मेरे बच्चों को निकालेगा, मतलब जो मेरे बच्चों को अलग करने की कोशिश करेगा, वो इस घर से बाहर जाएगा। मतलब वो इनडायरेक्टली मतलब धरा को निकाल रही है घर से, ऐसा वो कह रही है। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसे खुद को भी पता है कि एक धरा ही है जो सारे लोगों को, मतलब घर पे सबको बांध के रख सकती है। रिशिता को भी सारी चीज़ें सिखा सकती है, मतलब रिश्तों की अहमियत और बाकी सब घर वालों से कैसे प्यार से रहते हैं, सारी चीज़ें रिशिता को वही सिखा सकती है, वो और गौतम मिलकर। और कोई नहीं कर सकता ये काम। और शिवा और रावि को भी उन्हीं वही, मतलब एक कर सकती है, दोनों के बीच की मतलब जो रिलेशनशिप है उसमें काम कर सकती है, ठीक कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माँ को पता है, सुमन को पता है कि मतलब ये सारी चीज़ें वही धरा ही ठीक कर सकती है। तो वो सामने सामने उसके ऊपर गुस्सा भले ही करती है, बट अंदर कहीं ना कहीं उसको पता है कि मतलब वो है धरा है, तो घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक से चलेगा और आगे भी मतलब सब ठीक रहेगा। और वही अकेली मतलब इंसान है जो मतलब सब कुछ ठीक कर सकती है, जिसकी बात सभी मानते हैं, कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बस ये रिशिता ही है जो अभी अभी आई है, जिसे सारी चीज़ें नहीं पता है, तो वो मतलब उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। वो ये सोचती है कि वो भी बहू है, मैं भी बहू हूँ, तो वो मतलब उतना तवज्जो नहीं देती। वो ये नहीं सोचती है कि इन लोगों को पाल पोस के उसी ने बड़ा किया है, उसने अपना इतने अपने साल दिए हैं इन लोगों के ऊपर। ये सारी चीज़ें रिशिता भी नहीं समझ रही है। तो ये सारी चीज़ों को धरा ही है जो समझा सकती है, ये उसे बहुत अच्छे से पता है, तो वो कैसे उसे निकाल सकती है। तो दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा जहां सुमन कहती हुई नजर आएगी, माँ कहती हुई नजर आएगी धरा से कि मतलब तुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। जितना भी मैसअप हुआ है, जितनी सारी दिक्कतें, मतलब रिश्तों में दूरियां आई हैं, सब एक दूसरे के ऊपर ऐसे मतलब झुंझला रहे हैं, कोई किसी का मतलब किसी की सोच नहीं रहा है, सबको अपनी पड़ी हुई है। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं घर में, सारे लोग अलग अलग हो गए हैं, तो ये सबको तू ही ठीक कर सकती है। वो धरा को जिम्मेदारी देने वाली है, ये सारी चीजें, सारा मैशअप जो भी जितना बिखरा पड़ा है, सब कुछ बिखर गया है, ये सारी चीजें ठीक करने की, कि सबको एक दूसरे की कदर वापस से होने लगे और वापस से सब एक दूसरे के ऊपर उतना ही प्यार लुटाएं और उतना ही भरोसा करें। तो ये सारी चीजें जो है वो धरा को वो कहती हुई नजर आने वाली है हमारे आगे आने वाले एपिसोड में, और वो धरा पे विश्वास जताएगी। तब जो है धरा मतलब आश्वासन देती हुई नजर आएगी, मतलब विश्वास दिलाएगी माँ को कि माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मतलब ये सारी चीजें मैं और गौमी मिलकर ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हाँ हम मतलब ठीक कर भी देंगे। तो ये सारी चीजें ठीक करेंगे धरा और गौतम आगे मिलकर, दिखा आगे के एपिसोड्स में यही देखने को आप लोगों को मतलब मिलने वाला है धीरे धीरे। फिलहाल तो एकदम अचानक से ये ट्रैक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप लोगों का पूरा यही चलने वाला है कि अब तो मतलब उसका पहले तो ये शिवा और क्रिश का प्लान मतलब जो भी है ये एक्सपोज हो जाएगा, और ये इस पे 2-3 एपिसोड चलेंगे जिसमें धारा जो है बहुत हर्ट होगी, इन लोगों को पिटाई करेगी और ये सारी चीजें चलेंगी। फिर रिशिता का इन लोगों के ऊपर गुस्सा करना और इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत मतलब दूरी आ जाना, देव और मतलब देव को भी थोड़ा गुस्सा आएगा कि मतलब क्यों शिवा और कृष्ण ने उसको मतलब रिशिता को इतना परेशान किया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मतलब 2-3 एपिसोड, फिर 2-3 एपिसोड ऐसे ऐसे करके आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ बीच बीच में मतलब शिवा और रावि की केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हमें नजर आने वाली है, और थोड़ा बहुत उनका नोकझोंक भी है जो मतलब दर्शकों को दिखाना ही पड़ेगा मेकर्स को, क्योंकि हमें तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा लड़ते हुए क्यूट कपल बहुत ही पसंद है, तो दिखाना ही पड़ेगा, तो वो तो हमें देखने को मिलने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी कमेंट्री आप लोगों को अच्छी लगती हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नोटिफिकेशन मतलब जो भी वीडियोस लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोगों देख सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।